हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी. वेलकम टू अन एकेडमी. आई होप लेक्चर इज लाइव. आई होप लेक्चर इज लाइव. चलिए, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग एवरीवन. जॉइन फर्स्ट. Join fast. Okay, so तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द मिसाइल टेक्नोलॉजी. और मिसाइल टेक्नोलॉजी भी बहुत जो बेसिक टर्म्स होती है मिसाइल टेक्नोलॉजी की, उनके बारे में आपको बात करेंगे. उसके बाद हमारा जो कल का और परसों का लेक्चर जो होने वाला है वो होगा डीआरडीओ के ऊपर ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ. डीआरडीओ ने जितनी भी तमाम चीजें आज तक आपको बनाई है ना, क्योंकि डीआरडीओ को हम लोग इसरो को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, इसरो की न्यूज हमेशा आती रहती है. लेकिन डीआरडीओ भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें बहुत बड़े लेवल पे भारत का जो डिफेंस डेवलपमेंट या भारत का जो जो रक्षा प्रणाली है उसमें काफी इंपॉर्टेंट योगदान आपको दिया है. तो बिफोर हम लोग उधर उसको पढ़ें, डीआरडीओ के बारे में पढ़ें, उसके पहले कुछ बेसिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में या कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को हमको पता होना चाहिए. तो वो कई सारी टर्मिनोलॉजीज थी, जैसे क्रूज मिसाइल क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, या एयर टू एयर मिसाइल आपको क्या होता है, लिक्विड प्रोपल्शन क्या होता है, गाइडेड मिसाइल क्या होता है, वायर्ड मिसाइल क्या होता है. ऐसे कई सारी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उन टर्म्स हैं, और इतनी सारी टर्म्स हैं कि उनको तकरीबन आधा पौना घंटा उसको समझाने में आपको लग जाएगा. तो इसलिए मिसाइल टेक्नोलॉजी का एक वीडियो मैंने अलग से बना लिया. तो कल हम लोग डीआरडीओ, कल और परसों डीआरडीओ पढ़ लेंगे. तो दो लेक्चर में डीआरडीओ हो जाएगा, जैसे तमाम जितनी भी अभी तक मिसाइल्स वगैरह बनाई है वो पूरी टेक्नोलॉजी उसके अंदर आ जाएगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको होने वाला है. ठीक है, चलिए. तो उसके अलावा जैसे अनअकैडमी के और भी कई सारे कोर्सेज अभी आपको चल रहे हैं. ठीक है, तो 1+1 वाला जो है वो सब्सक्रिप्शन तो खत्म हो चुका है, ऑफर खत्म हो चुका है. अभी आपको नॉर्मली 10% डिस्काउंट मिल रहा है, और उसके लिए आप सिंपली मेरा जो कोड है पवन लाइव, इस पवन लाइव कोड का यूज करें. एंड इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस कार्सेस. उसके अलावा 23 मार्च से कोर्स शुरू हो चुका है, जेल प्रहरी और वन रक्षक वाला. उसके बाद कंप्लीट एमपीजीके का कोर्स है, फिर एक हिस्ट्री वाला कोर्स आपको आ चुका है. उसके अलावा 2 मार्च को एक बैच आ चुकी है, 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल से भी एक बैच आ चुकी है. उसके बाद आज हमने एक मैराथन की थी, और मैराथन काफी ज्यादा सक्सेसफुल आपको हुई है. तकरीबन 3,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो अभी तक उसको देख चुके हैं, वो कंटिन्यू चल रहा है अभी तो, वीडियोस उसके अब तो खत्म हो गया है. तो वो काफी इंपॉर्टेंट ही, आने वाले समय में से और भी कई सारे मैराथन होगी जहां पर हम लोग कई सारे वीडियोस यहां पर आपको करने वाले हैं. ओके, उसमें एक मैराथन होगी आपकी एमपी करंट अफेयर की, जो हो सकता है कि अगले 2-3 दिन में आपको हो जाए, मतलब वेडनेसडे या थर्सडे तक वो आपको होने वाली, जिसमें पूरा एमपी जो करंट अफेयर है, पूरा एमपी करंट अफेयर में आपको उसमें एमपी नेशनल इंटरनेशनल पूरा करंट अफेयर हम लोग बहुत ही जल्दी आपको शुरू करने वाले हैं. ठीक है, ओके, वो यूट्यूब पे ही हम यहां पर आपको करेंगे. उसके अलावा कई सारे बैच कोर्सेस चल रहे हैं, इन बैच कोर्सेस को भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं. 90 डी का एक रिविजन बैच चल रहा है, साथ ही अभी 30 डी का रिविजन बैच है, तो उसका भी एक कोर्स आने वाला है जहां पर हम 30 डी रिविजन के बारे में आपको बात करेंगे. ये तमाम कोर्स अभी के समय पर आपको चल रहे हैं. ठीक है, तो ये तो बात हुई सब्सक्रिप्शन के बारे में. ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट द मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में या मिसाइल तकनीकों के बारे में. अगर चल रहा है ना प्रॉपर, क्योंकि मेरा क्या मोबाइल डिस्चार्ज हो चुका है और मेरे पास एक ही केबल है, वो केबल मैंने इसमें लगा रखी है, तो मैं बीच में कमेंट आपके देख नहीं पाऊंगा. जो भी कमेंट मैं देखूंगा आखिरी में देखूंगा, जो भी डाउट हो किसी का उसको थोड़ा सा उसके लिए आखिर तक यहां पर आपको रुक जाए, है ना. चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिसाइल्स के टाइप के बेसिक चीजों के यहां पर आपको. ठीक है, अब देखो कई बार आपने ऐसे न्यूज वगैरह में या कहीं भी मतलब ऐसे घर पे टीवी वगैरह में देखा होगा
महाभारत आती है, रामायण आपको आती है, उसमें फिर वो ऐसे करके एक धनुष लेते हैं, उसको मंत्र से यहां पर आपको चलाते हैं, वो सामने वाले के ऊपर जाके आपको चला जाता है। तो वो बेसिकली क्या होता है, उनको अस्त्र कहा जाता है, या उसको उस समय की जो मिसाइल्स हैं उस तरह की मिसाइल आपको कहा जाता है। तो ये बेसिकली अस्त्र यहां पर आपको होता है। अस्त्र में आपको क्या होता है कि अस्त्र जो है वो कोई भी मंत्र के द्वारा गाइडेड आपको होता है ना, कोई भी वो होता था, कर्ण वगैरह वैसे लेता था, मंत्र कुछ मंत्र पढ़ता था फिर उसको चलाता था। तो वो क्या होता था, वो गाइड एक तरह से आप उसको बोल सकते हैं गाइडेड मिसाइल आपको है, कि उसने मंत्र के माध्यम से उसको गाइड किया और वो पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर आपको जाके गिर गया। तो वो खैर वो चीजें पता नहीं पहले होती थी या नहीं होती थी, लेकिन वो इस तरह की चीजें पहले से कई सारे मंत्र हमको वेदों के अंदर और भी कई सारी जगह यहां पर आपको मिलते हैं, जहां पर किसी भी बाण को चलाने के पहले, किसी भी तीर को चलाने के पहले, इस प्रकार के अस्त्रों को चलाने के पहले ये तमाम चीजें यहां पर आपको की जाती है। तो अस्त्र एक तरीके ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हाथ से उसको ऐसे हवा में आपको चलाया जाता था, तो उसको अस्त्र कहा जाता है। वो उस समय पे जो अस्त्र थे वही अस्त्र आज के समय पे अगर आप देखोगे तो आज के समय पे वो क्या होते हैं, आज के समय पे वो एक तरह से मिसाइल यहां पर आपको हो जाते हैं। ठीक है, अब ये एक तरह का मंत्र वगैरह से उसको कंट्रोल किया जाता था, जैसे आज के टाइम पर हम लोग मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैसेज के माध्यम से या रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से, अलग अलग तरीके होते हैं। उसके अलावा दुनिया का जो पहला रॉकेट है, तो दुनिया का पहला रॉकेट किसने बनाया, अब इसको लेके हम इंडियंस जो मानते हैं, मैं वो बता रहा हूं क्योंकि यूरोपियन लोग तो मानते ही नहीं ऐसा कुछ हुआ। इंडिया का पहला रॉकेट बनाया टीपू सुल्तान ने, है ना, जो आपके मैसूर के राजा हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे, जब उनके अंग्रेजों के साथ बैटल चल रही थी, थर्ड एंग्लो मराठा एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, तो ही पार्टिसिपेट इन द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, देन ही डाइड इन 1799 ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो मिसाइल यहां पर आपको बनाए, मिसाइल रॉकेट्स उन्होंने आपको बनाए। उनका रॉकेट कुछ इस तरह का आपको होता था, ठीक है, तो ये रॉकेट हो गया। अब ये रॉकेट में यहां पर क्या होता था, यहां पर वो अपना जो भी बारूद वगैरह उसको भरते थे, फिर इसके अंदर आग लगाते थे, और इसको फिर किसी तलवार के ऊपर या कोई ऐसा दूसरा कोई जो कोई औजार होता था उसके ऊपर आपको, या कोई ऐसा कोई भी ऐसा हथियार हो गया उसके ऊपर बांधते थे, तो वो रॉकेट जैसा जाता था वो दुश्मन के ऊपर जाके आपको गिर जाता था। कई बार इसके माध्यम से दुश्मन पे हमला करके उसको मारा भी जाता था, होता ना आजकल जो मिसाइल्स वगैरह हम लोग देखते हैं या हम लोग रॉकेट लॉन्चर्स देखते हैं, तो उस प्रकार के रॉकेट लॉन्चर टेक्नोलॉजी उन्होंने दुनिया में सबसे पहले विकसित की, फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड टीपू सुल्तान ने विकसित की। इसके पहले इस प्रकार की किसी भी टेक्नोलॉजी का कोई भी प्रूफ हमको इवन यूरोप के अंदर भी यहां पर आपको नहीं मिलता है। तो टीपू सुल्तान, इनको कंसिडर किया जाता है एज अ फादर ऑफ द रॉकेटरी, या दुनिया के अंदर रॉकेटरी। और कई सारे ब्रिटिश लोग हैं वो भी इस बात को मानते हैं, उन्होंने भी अपनी किताबों में लिखा है, इवन जो डॉक्टर कलाम की जो किताबें हैं, डॉक्टर कलाम ने भी अपने कई सारे स्पीचेस में इनके बारे में जिक्र किया कि दुनिया का पहला जो रॉकेट सिस्टम है वो इन्होंने यहां पर आपको बनाया, और उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हीं के टेक्नोलॉजी को, उन्हीं के तकनीक को उपयोग करके भारत के अंदर पूरा हमारा ये मिसाइल सिस्टम आपको डेवलप किया। तो 1792 में एक सेरिंगपट्टनम का वॉर हुआ था ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, उस युद्ध में उन्होंने पहली बार उपयोग किया। अंग्रेज देख रहे भैया आग ऐसे क्या गिर रहा है ऊपर से, क्यों सब मिसाइल वगैरह तो थी, मतलब उनके पास तोप वगैरह भी हुआ करती थी, सब कुछ चीजें थी, लेकिन एक नई चीज अंग्रेजों के लिए यहां पर आपको आई। तो वो कई सारे अंग्रेज सिपाही उसके अंदर यहां पर आपको घायल हो गए, है ना। अब इसमें क्या होता था, ऐसे इसको कहीं भी बैंबू से या ऐसे स्टील वगैरह से, लोहे वगैरह से उससे पैक करके यहां पर आपको भेजा जाता था, तो इससे दुश्मन को बड़ा नुकसान आपको होता था। तो एक तरह का रॉकेटरी जो है वो पहली बार उन्होंने डेवलप किया। ओके, उसके बाद जो मॉडर्न रॉकेटरी सिस्टम है, या आधुनिक जो हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न आधुनिक जो सिस्टम आपको है वो डेवलप हुआ आपके जर्मनी के अंदर। तो जर्मनी के अंदर पहली बार जो गाइडेड मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल आपको बनाई गई, और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास का जो पीरियड था, फर्स्ट और सेकेंड के बीच का पीरियड था, उस पीरियड में इस टेक्नोलॉजी को यहां पर आपको जर्मनी में विकसित किया, और जर्मनी में पहली बार V1 और V2 करके जो गाइडेड मिसाइल है उन गाइडेड मिसाइल्स को यहां पर आपको बनाया गया। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका बड़े लेवल पे उपयोग किया, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे जब हमला हुआ तो उस हमले में भी जो उन्होंने जो बम बनाया था, न्यूक्लियर बम जो बनाया था, इट्स कॉल्ड द फैटमैन, तो उस फैटमैन को उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया, तो वो भी लगभग सेम इस प्रकार की टेक्नोलॉजी थी। खैर इसके पहले वो लोग मिसाइल से बम गिराते थे, लेकिन पहली बार न्यूक्लियर जो वॉरहेड वो उस मिसाइल के माध्यम से आपको गिराया गया, तो पहली बार दुनिया के अंदर न्यूक्लियर अटैक हुआ था, और उसके अलावा कभी अटैक आज तक आपको हुआ भी यहां पर आपको नहीं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में उपयोग किया। उसके बाद जब हम आजाद हुए तो हमने भी उस पूरे प्रोग्राम को डेवलप किया। अब उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसका नाम था इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इट्स कॉल्ड द IGMDP, और ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उनको ये काम दिया गया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल मतलब ऐसी मिसाइल सिस्टम जो गाइडेड मिसाइल है, कि हम गाइड करके उसको यहां पर आपको फेंक रहे हैं, गाइड करके उसको भेज रहे हैं यहां पर कि कहां जाके गिरना है, किस लोकेशन पे, किस कोऑर्डिनेट पे गिरना है, तो गाइडेड मिसाइल हो गया। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम जो है वो हमने 1980s के अंदर हमने आपको शुरू किया, और उसके साथ में तो अब हमने उसी समय पे 1981 में ही हमने जो SLV है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको भी हमने पहली बार, जो इसरो ने बनाया था SLV, उसके माध्यम से पहली बार हमने साउंडिंग रॉकेट छोड़ा। तो उस साउंडिंग रॉकेट में जैसे मैंने आपको उनके बारे में बताया था, आपके विक्रम साराभाई के बारे में, तो विक्रम साराभाई और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दोनों एक ही प्रोजेक्ट में यहां पर आपको काम कर रहे थे, तो उन्होंने देश का पहला साउंडिंग रॉकेट यहां पर आपको छोड़ा, वो स्पेशली स्पेस वगैरह में जाके, मतलब थोड़ा सा एटमोस्फियर के ऊपर जाके वहां की पूरी स्टडी वगैरह करता है, एटमोस्फियर की स्टडी करता है, तो वो एक तरीके से गाइडेड मिसाइल को चेक करने का एक तरीका था। अभी तक 100 से ज्यादा ऐसे रॉकेट जो है हम लोग यहां पर, या साउंडिंग रॉकेट हम लोग अभी तक यहां पर आपको लॉन्च कर चुके। तो ये पहला प्रोग्राम हमने 1981 के अंदर 1980s में आप आपको स्टार्ट किया, और इसके माध्यम से हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको एक इंपॉर्टेंट जो बूस्ट है वो एक इंपॉर्टेंट शुरुआत यहां पर आपको मिली। चल रहा है ना सब ठीक? तो अगर लेक्चर बंद हो जाए तो मुझे लैंडलाइन पे कॉल कर देना, बट कॉल जरूर कर देना, क्योंकि अभी तो ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो प्लीज कॉल मी ऑन लैंडलाइन, होगा आपके लोगों के पास नंबर, चल रहा है ना? हाँ, आजकल बड़ा डर रहता, पता नहीं अचानक से रुक ना जाए कुछ यहाँ पर आपको ना हो जाए, ठीक है। अगर रुक जाए तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है, क्योंकि मोबाइल बंद होने वाला है। ओके, तो ये SLV पहली बार आपको आया। ओके, उसके बाद अगर हम मिसाइल्स को हम लोग क्लासिफाई करें, इनको डिवाइडेड आपको करें, तो हम मिसाइल को 5 अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक उसके प्रकार से, टाइप्स के हिसाब से, फिर उसके लॉन्च मोड के हिसाब से, किस प्रकार से लॉन्च किया जा रहा है, उसकी रेंज कितनी है, उसका प्रोपल्शन क्या है, और उसका गाइडेड सिस्टम यहां पर आपको क्या है। तो इस 5 तरीके से हम लोग पूरे मिसाइल सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो टाइप है वो 2 तरह का होता है, क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल, ये 2 भाग हो गए। फिर होता है लॉन्च मोड, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सी, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सी टू सी, फिर सी टू सरफेस, और एंटी टैंक मिसाइल, है ना, नाग एंटी टैंक मिसाइल सबसे स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। फिर रेंज के हिसाब से शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटीग्रेटेड रेंज, और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सबसे खतरनाक, यहां से छोड़ो अमेरिका जाके गिरेगा, तो वो ICBM आपका इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। फिर प्रोपल्शन के हिसाब से, कि प्रोपल्शन या उसमें जो प्रणोदक बोलते हैं हिंदी में, वो प्रणोदक कौन सा है, सॉलिड है, लिक्विड है, हाइब्रिड है, रामजेट है, स्क्रैमजेट है, या क्रायोजेनिक है, तो 6 डिवीजन हो गए। फिर गाइडेड मिसाइल होता है, इसमें वायर गाइडेड, कमांड गाइडेड, टेरेन गाइडेड, फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल गाइडेड, आपका इंटरियल गाइडेड, फिर आपका बीम राइडर, या बीम राइडर गाइडेड, लेजर गाइडेड, और RF गाइडेड। खैर, ये इतना हम लोग इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये चारों हमारे लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रूज मिसाइल की, है ना। सबसे कॉमन है कि भाई फलानी क्रूज मिसाइल हो गई, फलानी बैलिस्टिक मिसाइल यहां पर आपको हो गई। अब देखो, ये जो मेन डिविजन आपका है कि क्रूज मिसाइल कौन सा हो गया, या डोमेस्टिक आपका बैलिस्टिक मिसाइल आपको क्या हो गया। अब देखो, क्रूज मिसाइल के अंदर यहां पर आपको क्या होता है कि जब भी इसको इस तरह से छोड़ा जाता है, तो एक पर्टिकुलर टारगेट किया जाता है, टारगेट करके छोड़ा जाता है, और उसमें उसकी जो लोकेशन है वो फाइंड आउट आपको होती है कि किस लोकेशन पे जाके उसको यहां पर आपको गिराना है। इसका अपना खुद का एक इंजन होता है, उस इंजन के माध्यम से उसको छोड़ा जाता है, एक पर्टिकुलर इंजन होगा उसका, तो उस इंजन के साथ में उसको छोड़ा जाता है और वहां पर जाके एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर आपको गिरेगा। क्रूज मतलब एक तरीके से जो एयरप्लेन होता है आपका, उस प्रकार से उसको आपको छोड़ा जाता है, तो वो क्रूज मिसाइल आपको कहलाता है, ठीक है। तो क्या होता है क्रूज मिसाइल, ये एक तरीके से एक टारगेट के ऊपर जाएगा, जो भी कोऑर्डिनेट उसके अंदर तय होंगे, है ना। जैसे गाइडेड मिसाइल अगर है तो कहां, यहां से जाके एक पर्टिकुलर 200 किलोमीटर दूर पर्टिकुलर लोकेशन पे गिराना है, तो वहां पर जाके इस मिसाइल को यहां पर आपको गिरा देगा। अब इसका खुद का अपना इंजन वगैरह होता है, तो उसके कारण ये प्रॉपर तरीके से उस मिसाइल के अंदर जो वॉरहेड है उसको ले जा सकता है। जैसे ये आपको मिसाइल दिख रहा है, अब ये पूरा मिसाइल आपको दिख रहा है, अब इसमें यहां पर आप देखोगे कि यहां पर उसके अंदर वॉरहेड लगा होता है। वॉरहेड मतलब जिसमें न्यूक्लियर मटीरियल होता है। मिसाइल का काम क्या होता है कि जो भी वॉरहेड है, वॉरहेड मतलब जो भी युद्ध की सामग्री है, कोई भी उसके अंदर केमिकल हो सकता है, कोई एक्सप्लोसिव हो सकता है, न्यूक्लियर मटीरियल भी हो सकता है, तो उसको बस कैरी करके ले जाता है, एक जगह पे गिरेगा, वहां पर जाके आपको ब्लास्ट हो जाएगा। मिसाइल का इतना से ही काम आपको होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के अंदर इसमें जो एक रॉकेट बूस्टर आपको लगा होता है, छोटा सा इंजन आपको होता है, एक छोटा सा फ्यूल टैंक होता है जो उसको
लिक्विड सप्लाई या जो भी आपका फ्यूल है वो सप्लाई करता रहता है, और एक पर्टिकुलर जगह पे जाके ये मिसाइल यहां पर आपको जाके गिर जाएगी, तो उसको क्रूज मिसाइल कहा जाता है, जिसका एक पर्टिकुलर लोकेशन पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन आपको होता है, और उसके अंदर इंजन भी यहां पर आपको लगा होता है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो किस स्पीड से जा सकता है, सुपरसोनिक या हाई सबसोनिक स्पीड से भी जा सकता है ना, या सेल्फ नेविगेटेड आपको होते हैं कि खुद उसमें हमने गाइडेड मिसाइल है तो हमने कंप्यूटर में फीड कर दिया कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, और डायरेक्शन पे जाके आपको गिर जाएगा, उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे जाके आपको गिर जाएगा। फिर स्पीड सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक, तीनों तरह की होती है ना। सबसोनिक मतलब साउंड से कम, है ना, तो आपका सबसोनिक बोला जाता है उसको, है ना, तो उससे कम, या हाइपरसोनिक मतलब साउंड की स्पीड से आपको ज्यादा, तो अलग अलग जो स्पीड है अलग अलग स्पीड से उसको आपको लॉन्च किया जा सकता है, तो उसको क्रूज मिसाइल कहा जाता है, जिसमें अपना खुद का एक जो है वो इंजन यहां पर आपको लगा होता है। ठीक है, उसका जो क्रूज मिसाइल है तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट जैसे साइज और स्पीड के हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से तीन पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले सबसोनिक मिसाइल, मतलब वो मिसाइल जिसकी स्पीड साउंड से कम है ना, ये आपने अगर साउंड वगैरह पढ़ा हो फिजिक्स में तो वहां पर भी टर्म पड़ी होगी, तो बोलते सबसोनिक, मतलब साउंड से उसकी स्पीड कम है, सोनिक मतलब आप साउंड बोल सकते हो, तो साउंड की स्पीड से कम है ना, आपकी जो ध्वनि की गति है उससे कम स्पीड में है, तो उसको कहा जाता है सबसोनिक। इसका एग्जाम्पल क्या है, निर्भय मिसाइल, है ना, कितना स्पीड है, 0.8 मैच उसका यूनिट होता है, मैच, तो 0.8 मैच उसका यूनिट आपको होता है, उतना जा सकता है। फिर सुपरसोनिक आपको होता है, ऐसे सुपरसोनिक मिसाइल आपको होगी, इसका जो कैपेसिटी होता है वो 2 to 3 मैच यहां पर आपको होता है ना, मतलब तकरीबन ये साउंड की गति के हिसाब से आपको चलता है। इसका एग्जांपल है ब्रह्मोस, फर्स्ट वाला। फिर तीसरा होता है हाइपरसोनिक मिसाइल, क्या होती है, हाइपरसोनिक मिसाइल साउंड की जो स्पीड होती है उससे भी तेज जाता है, इट्स मोर देन साउंड, की स्पीड से तेज जाएगा, उसको हाइपरसोनिक कहा जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ब्रह्मोस सेकंड शौर्य मिसाइल, और इसकी जो स्पीड होती है इट इज मोर देन 5 मैक, 5 मैक या 5 मैच भी बोलते हैं उसको, 5 मैक या उससे ज्यादा स्पीड आपको होती है, जो साउंड से भी कई गुना तेज आपको होती है, ध्वनि से भी तेज गति से यहां पर आपको चलती है ना। चाइना अमेरिका तो कोशिश, स्पेशली चाइना तो कोशिश कर रहा है कि हम लोग लाइट की गति से चलने वाली मिसाइल डेवलप करें, चाइना उसके ऊपर काम कर रहा है, हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में चाइना इस प्रकार की मिसाइल को डेवलप कर ले जो साउंड से भी, जो लाइट की स्पीड से चलेगी, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि 3.8 × 10⁻¹⁸ इतना तेज नहीं हो सकता, बट वो ट्राई कर रहा है, चाइना कुछ भी कर सकता है, उसने आर्टिफिशियल सूरज बना लिया तो ये भी कर लेगा। ठीक है, तो ये तीन तरह की मिसाइल आपको, ये क्रूज मिसाइल आपको होती है। फिर दूसरा जो मिसाइल होता है उसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, उसका एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी होता है ना। अब देखो इसमें इंजन वगैरह कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल मिसाइल होती है, आपने यहां से दागा और जो भी उसको लॉन्च करने वाला व्हीकल है उसकी जितनी कैपेसिटी होगी उस कैपेसिटी से उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको भेजा जाएगा। अब क्रूज मिसाइल आपने लॉन्च कर दी तो उसमें इंजन विंजन लगाए वो अपने हिसाब से अपने डायरेक्शन में आके गिर जाएगा, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, थोड़ी शॉर्ट रेंज के लिए होती कि आपको जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो इसमें क्या होता है, ट्रेजेक्टरी पाथ हो, जैसे यहां पर आपने लॉन्च किया, अब यहां से लॉन्च किया तो ये इधर से लॉन्च हो रहा है, इधर से लॉन्च हो रहा है, अब यहां से लॉन्च किया एक पर्टिकुलर पाथ होगा, क्योंकि कोई भी चीज जब आप स्पेस में ऐसे अगर लॉन्च कर या ऐसे आप स्काई में आप लॉन्च करोगे तो ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे हम लोग उसको करते हैं, तो 45 डिग्री पे जब जाएगी तो वो एक उसका ट्रेजेक्टरी पाथ होगा, और यूजुअली वो ट्रेजेक्टरी पाथ इसी तरह का होगा। जैसे हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल ऐसा होता है कि हमने बॉल फेंकी ऐसे ऊपर और वो ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट जा रही, हमेशा वो इलिप्टिकल पाथ में जाती है, उसका एक ट्रेजेक्टरी होता है, एक उसका पाथ होता है, इसी तरह का सर्कुलर पाथ आपको होता है। तो उसी तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल को हम लोग लॉन्च करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी पाथ होता है, उससे फिर वो अपने टारगेट को जाके यहां पर आपको हिट यहां पर आपको करती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई इंजन कोई कुछ नहीं होता, एक सिंपल लॉन्चर होता है, उस लॉन्चर से लॉन्च करके उस मिसाइल को आपको भेजा जाता है। कितने कम लोग हैं यार क्लास में, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चीजें कई बार एग्जाम में काम आ जाती है ना, तुम इसको हल्के में मत लो। हाँ ठीक है, तो ये क्रूज मिसाइल आपको हो, ये बैलिस्टिक मिसाइल आपको हो गया। ठीक है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल हो गया जो बेसिकली इस प्रकार से ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके फिर ग्रेविटी के अंदर आके यहां पर आपको काम करती है। इसका एग्जांपल है पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, धनुष, ये तमाम बैलिस्टिक। खैर ये हम पढ़ेंगे कि इंडिया की कौन कौन सी मिसाइल किस टेक्नोलॉजी पे चलती है, वो पूरा लेक्चर 2 लेक्चर उसी के ऊपर आपको होंगे, बट ये बेसिक चीजें आपको याद रखना। ठीक है, अब हमारे यहां पर अगर आप देखोगे तो तमाम हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जैसे हमारा पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, निर्भय हो गया, है ना, अग्नि 1, 2, 3, 4 सब आपके
बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर आपको चलते हैं, ठीक है। अब बैलिस्टिक और क्रूज में अंतर क्या हो गया? बहुत साधारण सा यहां पर आपको अंतर है कि जो क्रूज मिसाइल होती है ना, तो ये अर्थ के एटमोस्फियर के अंदर रह के यहां पर आपको काम करती है, इसका खुद का अपना इंजिन और विंग्स वगैरह होते हैं, वो एक अपने पर्टिकुलर डिसाइडेड लोकेशन पे यहां पर आपको जा सकती है, ठीक है। सुपरसोनिक और सबसोनिक स्पीड पे भी उसको लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। तो ओके, उसके बाद जो बैलिस्टिक मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है आर्क ट्रेजेक्ट्री है ना, इस प्रकार का ट्रेजेक्ट्री मैंने आपको बताया, इसको लैंड और सी दोनों से हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हम लोग न्यूक्लियर वॉरहेड और आपका नॉर्मल मतलब ट्रेडिशनल वॉरहेड दोनों कर सकते हैं। ट्रेडिशनल वॉरहेड का मतलब ये कन्वेंशनल जो वॉरहेड होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी हमने वो TNT वगैरह भर दिया, कोई केमिकल वगैरह उसके अंदर भर किया, तो कन्वेंशनल वो कन्वेंशनल आपका वॉरहेड आपको होता है। फिर बैलिस्टिक मिसाइल भी यूजुअली हम लोग जो न्यूक्लियर मिसाइल है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर मटेरियल है, उस न्यूक्लियर मटेरियल को हम लोग यहाँ पर आपको इसके अंदर आपको भरते हैं, ठीक है। और ये अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से होगा, ग्रेविटी के हिसाब से पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, उसको ग्रेविटी वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। उसका इसका जो लॉन्च मोड होता है, तो लॉन्च मोड के हिसाब से हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? लॉन्च मोड के हिसाब से पहला होता है सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस मतलब सरफेस से सरफेस पे हो रहे हैं। तो इसमें हम लोग जैसे अग्नि है, तो अग्नि को हम कई तरीके से ट्राई करते हैं, जैसे पृथ्वी पर रखी हुई है तो पृथ्वी से पृथ्वी पे ही लॉन्च करना, सरफेस टू सरफेस भी आपको लॉन्च करना है, जो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 5 किलोमीटर, वॉट एवर विल बी द डायरेक्ट डिस्टेंस, उस डिस्टेंस पे हम लोग इसको लॉन्च करते हैं। तो सरफेस से सरफेस भी आपको लॉन्च करते हैं। अब इसमें भी और भी टाइप्स होते हैं, जैसे अभी हमारा जो हमारी जो वो है आर्मी है, तो उसने अभी इसको ट्राई किया था अग्नि को, और उसने क्या करा था, कनिस्टर बेस्ड उन्होंने टेस्ट आपको, कनिस्टर बेस्ड मतलब एक चलती हुई गाड़ी है। अब नॉर्मल क्या होता है कि जब रॉकेट आप लॉन्च, बंदूक चलाई होगी अगर आपने कभी, तो क्या होता है, जैसे ही आपने बंदूक चलाई आपको एक छोटा सा हटका सा झटका लगता है, इतनी बड़ी मिसाइल जब हम लोग चलाएंगे तो वो बहुत तेज झटका लगता है, जैसे कई बार वीडियो जाके देख लेना बोफोर्स वगैरह का, तो वो जब लगता है ना, तो वो जो मिसाइल का पूरा जो वो होता है लॉन्चर होता है, वो तकरीबन 1 से 2 मीटर पीछे आता है, इतना ज्यादा पीछे होता है, उतनी तेजी से आपको जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब वो उन्होंने सरफेस टू सरफेस आपको लॉन्च किया, और उन्होंने मिलिट्री की जो गाड़ियां होती है ना, उस गाड़ी के ऊपर उसको लॉन्च रखा और वहां से लॉन्च किया, तो वो चलती हुई गाड़ी में लॉन्च किया, तो उन्होंने हर तरीके से उसको टेस्ट कर रखा है कि तुमको चलती गाड़ी में चलाना है, तुमको सरफेस से, ओशन से, स्पेस से, जहां से भी लॉन्च करना है, वहां से हम लोग आज के टाइम पे ब्रह्मोस या अग्नि वगैरह को लॉन्च कर सकते हैं, क्या है? तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, शौर्य हो गया, जो सरफेस से सरफेस होता है, व्हीकल माउंटेड होते हैं, गाड़ी पे बांध के आपको लॉन्च कर सकते हो, नॉर्मल ट्रेलर पे बांध कर सकते हो। फिर सरफेस टू एयर, सतह से लेके आकाश में, सरफेस टू एयर कि हमको कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, उस पे ऊपर उसको गिराना है, तो सरफेस से एयर में हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, एग्जाम्पल है उसका आकाश, त्रिशूल, हेलेना, है ना। फिर सरफेस टू सी है ना, सरफेस से समुद्र के ऊपर आपको लॉन्च किया है ना, मतलब वाटर एरिया में लॉन्च किया, तो सरफेस टू सी, या हो सकता है कोई रिवर वगैरह भी हो सकता है, तो सरफेस से समुद्र में हमने लॉन्च किया। इस तरह से मनाया जाता है जो लैंड से लेके वाटर में या शिप के माध्यम से होता है। इसमें कई बार क्या होता है कि सरफेस पे रख के हम लोग शिप वगैरह पे अटैक करते हैं। फिर होता है एयर टू एयर, एयर टू एयर मतलब हवा से हवा में मार करता है, तो ये जनरली हमारे जो जो फाइटर जेट्स होते हैं, सुखोई हो गया, राफेल वगैरह हो गया, उनके ऊपर इनको फिट किया जाता है ना। अगर आप चाहते हो कि ये सुखोई, राफेल वगैरह ये तमाम तरह के इंजन्स होते हैं, इनके बारे में अगर मैं पढ़ाऊं तो बता देना, उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, वो भी मैंने बना के रखा हुआ है। इट्स टोटली डिपेंड अपन योर इंटरेस्ट कि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो तमाम सुखोई हो गया, राफेल हो गया, और भी तरह के जो हेलीकॉप्टर्स हो गए, जैसे कई सारे आपके अपाचे हेलीकॉप्टर हो गए, उनकी भी तमाम अलग अलग डिविजन्स आपको है, इफ यू वांट मैं वो भी पढ़ा दूंगा, है ना। क्या तो एयर टू एयर मिसाइल हो गया, सरफेस से एयर टू एयर, जैसे नाग और अस्त्र, ये दोनों जो क्या है, ये दोनों एयर टू एयर आपको है कि हवा में उड़ रहे हैं, वहां से किसी के ऊपर लॉन्च करना है, तो हवा से हवा में मार करने वाला आपको हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है एयर टू सरफेस, हवा से सतह के ऊपर। तो जैसे होता है ना नॉर्मली, जैसे आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा या बॉर्डर मूवी में देखा होगा कि वो जैकी श्रॉफ प्लेन लेके आता है और नीचे आपके वो पाकिस्तानियों का टैंक रहता है, उसके ऊपर वो लॉन्च कर देता है, फिर वो एकदम सनी देओल एकदम उसके जो उसका जो टैंक था, तो उस टैंक की नोक पे आपको बैठा होता है, इतने में वो आता है जैकी श्रॉफ, उसके ऊपर बम गिरा के चला जाता है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, मूवी वहां पर आपको होती, बट वो उस तरीके से हवा से सतह के ऊपर आपको बम गिरा, जो बहुत कॉमन मेथड है, वो नॉर्मल तरीका होता है कि वो सरफेस से एयर बॉम्बिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो एयर बॉम्बिंग एक तरह से एयर टू सरफेस के ऊपर आपका मिसाइल लॉन्च करना आपको हो गया। फिर सी टू सी, समुद्र से समुद्र, कई बार हमारी जो जैसे अभी हमने विक्रांत बनाया, तो विक्रांत
विक्रांत पे लगा है, बाकी और भी कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं तो उनके ऊपर वो लगा होता है, विक्रांत के ऊपर या दूसरे हमारे कई सारे जो शिप्स फ्राइगेट्स वगैरह हो गए उन पे, अगर उनको भी आपको पढ़ना है कि भाई कौन कौन से फ्राइगेट्स होते हैं, या ये पढ़ा दूंगा, ये तो मैं पढ़ा ही दूंगा कि जैसे अभी विक्रांत हो गया, फिर INS विक्रांत हो गया और भी कई सारे आपको, तो वो क्या क्या होती है, टेक्नोलॉजीज क्या होती है, उनको कौन बनाता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इफ यू वॉन्ट टू लर्न मैं पढ़ा दूंगा उसको, ठीक है। फिर सी टू सरफेस होता है, समुद्र से सतह पे लॉन्च करना, धनुष एक ऐसा हमारे पास है जो समुद्र से सतह पे लॉन्च कर सकता है, स्पेशली नेवी वगैरह के पास होता है, तो जगह जगह नेवी जाती है तो वहां पर हमला करने के लिए आपको होता है, ठीक है। तो ये सी टू सरफेस हो गया। फिर एंटी टैंक मिसाइल आपको होती है, इस प्रकार की मिसाइल्स होती है जो एंटी टैंक आपको होती है, टैंक्स वगैरह जो है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए आपको, तो एंटी टैंक मिसाइल कहा जाता है, ठीक है, ओके। उसके बाद रेंज के हिसाब से आप देखोगे तो भी आप तो शॉर्ट रेंज मतलब 1000 किलोमीटर है उससे कम, पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, अग्नि वन हो गया, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मतलब कम डिस्टेंस पे आपको लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका मीडियम रेंज मिसाइल, मतलब 1000 से लेके 3500 किलोमीटर, तो वो मीडियम रेंज हो गया वो रेंज। फिर होता है इंटरमीडिएट रेंज, है ना, वो बैलिस्टिक मिसाइल वो इंटरमीडिएट रेंज में तकरीबन 3500 किलोमीटर से लेके 5500 किलोमीटर, अग्नि 3 इज द एग्जाम्पल। तो ये क्या होता है, ये इंटरमीडिएट रेंज आपको होता है कि मध्यम रेंज आपको हो गई। फिर होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, जैसे अग्नि 5 है, 5500 किलोमीटर का स्पीड है, फिर अग्नि 6 अभी आया है जिसको अग्नि P कहा जाता है, उसकी तकरीबन तकरीबन 7000 किलोमीटर उसकी यहां पर है। अभी एक रिपोर्ट आई थी उसमें चाइना का यहां पर आपको बोलना था कि भारत की जो अग्नि 5 मिसाइल है उसका जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर आपको है ना, और हम कितना बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि 5500 है भाई साहब। तो इसमें क्या होता है कि जितनी उनकी टेक्नोलॉजी, जितनी उनकी वो होती है डिस्टेंस होता है उससे काफी कम डिस्टेंस बताया जाता है। अगर 5000 है तो हम 3000 ही बताएंगे ताकि दूसरे कंट्री वगैरह नाटक वगैरह ना आपको ना करें या कोई और इशू ना हो। तो चाइना ने ये प्रूव किया है एक थ्योरी के माध्यम से कि इनके हमारे पास जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा और तेज वाला है। फिर उसने बोला कि जो अभी अग्नि 6 आया, अग्नि P आया, इसकी रेंज तो 10000 के ऊपर आपको है, मतलब वो हमको बता रहे कि हमारी कितनी है। अब हो सकता है कि ज्यादा मिसाइल आपको हो क्योंकि वो खुद ही ये काम कर रहा हो कि वो अपनी मिसाइल की जो रेंज वगैरह है वो कम बता रहा हो, इट मे बी पॉसिबल, इसलिए वो बता रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये ICBM होता है, इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, अग्नि 5, अग्नि 6, सब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM आपको है, ठीक है। फिर प्रोपल्शन के हिसाब से, प्रोपल्शन मतलब उनके अंदर किस प्रकार का फ्यूल भरा हुआ है, तो उस प्रोपल्शन के हिसाब से अब देखो जितने भी इस प्रकार के वॉरहेड्स होते हैं, इन वॉरहेड्स के अंदर या जो मिसाइल होती है उसमें जो सॉलिड वाला जो पार्ट, सॉलिड जो प्रोपल्शन होता है वो सबसे बेस्ट होता है। उसको लॉन्च करना है तो उसमें जो फ्यूल होगा, जो उसके अंदर ईंधन लगेगा, तो जल्दी वो सॉलिड वाला फ्यूल आपको होता है क्योंकि उसको कैरी करना, उसको स्टोरेज कर, इसको स्टोर करना, कैरी करना थोड़ा आसान होता है। लिक्विड वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो केमिकल को लेके जाना पड़ता है, ये लिक्विड वाला मटेरियल लेके जाना पड़ता है, ऐसे पेट्रोल डीजल नहीं चलता है इसके अंदर, कुछ अलग तरह के फ्यूल्स आपको होते हैं जो थोड़े से कॉन्फिडेंशियल है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है कि कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, मुझे तो नहीं मिला, खैर कुछ कुछ ऐसी न्यूज मिली थी इंटरनेट पे बट वो ज्यादा ऑथेंटिक आपको नहीं थी, ठीक है। तो ये इस प्रकार के कुछ सॉलिड प्रोपेलेंट यहाँ पर आपको होते हैं, सॉलिड कोई ऐसे केमिकल या वैसे पाउडर वगैरह होता है उसको सॉलिड प्रोपेलेंट होता है जिसको यूज करना, स्टोर करना आसान होता है। फिर लिक्विड प्रोपल्शन होते हैं, अब देखो लिक्विड प्रोपल्शन में क्या है कि उसका वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, भार थोड़ा सा कम हो जाएगा लिक्विड के कारण, बट उसको कैरी करना, उसको स्टोर करना, उसको लॉन्च करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो लिक्विड वाला है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हम सॉलिड और लिक्विड दोनों यूज करते हैं। तीसरा होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड प्रोपल्शन जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों को कंबाइनली उपयोग किया जाता है, दोनों को साथ में उपयोग किया जाता है, तो वो हाइब्रिड हो गया। तो इस प्रकार से ये डिपेंड करता है आपके प्रोपल्शन के ऊपर, ये किस प्रकार से हम प्रोपेल उसको करें, किस प्रकार से किस प्रकार का फ्यूल उसके अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये सॉलिड, लिक्विड और हाइब्रिड हो गया। चौथी टेक्नोलॉजी होती है उसको बोलते हैं रैमजेट इंजन। अब देखो रैमजेट इंजन क्या होता है, इसके अंदर हम लोग को बहुत ज्यादा फ्यूल वगैरह इसके अंदर यहां पर आपको नहीं लगता। अब ये क्या होता है कि ये एक तरीके से जो भी एयर यहां पर आपको आ रही, जैसे ये रैमजेट इंजन का एक मॉडल आपको है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये फ्यूल इंजेक्शन आपको हो गया। अब इसमें क्या होता है कि कोने के ऊपर थोड़ा सा छोटा होता है ना, ये छोटा पार्ट आपको हो गया। अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारा जो एयर है वो एयर यहां पर आपको एंटर करेगा, और यूजुअली हमारे जो भी इंजन होते हैं जैसे IC इंजन हो गया या बाकी इंजन होते हैं, उनमें मेन प्रोपल्शन का काम कौन करता है, वो एयर करता है। जैसे हमारे कार्बोरेटर होता है ना, तो कार्बोरेटर में क्या होती है, वहां से एयर सक करता है, वो हमारे इंजन तक आपको जाती है और वहां पर फिर फायर होता है,
या वहां पर वो इग्नाइट होता है, उससे हमारा इंजन चलता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि यहां से जो एयर है वो एयर यहां पर आपको एंटर करेगी, और उसके बाद वो है वो लिक्विड को यहां पर आपको, या जो भी आपका जो व्हीकल है, जो आपका मिसाइल है, उसको आगे की तरफ यहां पर आपको थ्रस्ट करेगी। तो ये रैमजेट इंजन यहां पर आपको होता है, जो बेसिकली आपके जो एयर के थ्रस्ट है उसके ऊपर या एयर के प्रेशर के ऊपर यहां पर आपको काम करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वो एयर इनलेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा यहां पर आपको होती है, हाई स्पीड पे यहां पर आपको काम करता है। फिर एक होता है स्क्रैमजेट इंजन, इसका मतलब सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। तो स्क्रैमजेट का शॉर्ट फुल फॉर्म है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन, है ना। अब देखो स्क्रैमजेट इंजन जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो स्पीड होती है वो ज्यादा यहां पर आपको होती है ना। तो रैमजेट की स्पीड क्या होती है, सबसोनिक होगी, लेकिन जो स्क्रैमजेट इंजन होता है वो सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक जो स्पीड है इस स्पीड पे भी लॉन्च किया जा सकता है। तो रैमजेट और स्क्रैमजेट में मेन जो अंतर है वो स्पीड का अंतर है, कि रैमजेट थोड़ा कम स्पीड पे होगा, सबसोनिक पे होगा, और जो आपका जो स्क्रैमजेट होगा वो सुपरसोनिक या फिर हाइपरसोनिक स्पीड पे भी उसको लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गया। उसके बाद इनमें वॉरहेड्स जो होते हैं, वॉरहेड्स मतलब जो इसके अंदर जो केमिकल भरा जाता है जो होता है। अब मिसाइल क्या होगी, कुछ ले जाएगा ना, ऐसे थोड़ी होगा कि ऐसे ही लॉन्च कर दिया। जैसे अभी हमने न्यूज में सुना था कुछ टाइम पहले कि हमने एक हमारी ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान में चली गई, अब वो लोग उसको टेस्ट कर रहे थे तो गलती से पाकिस्तान की तरफ आपको चला गया, पता नहीं वो मिसाइल वहां पे गिरा, तो उसका तो अभी तक वो बेच बाच के उसका आटा वाटा खा लेके खा गए होंगे वो लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो स्क्रैमजेट वो होता है आपका, तो जो वॉरहेड इसके अंदर आपको होता है, तो जैसे जनरली क्या होता है कि टीएनटी भरा होता है या आपका आरडीएक्स वगैरह भरा होता है, कोई केमिकल उसके अंदर आपको भरा होता है, तो वो वहां पर जाके लॉन्च आपको होता है ना, ब्लास्ट आपको होता है। तो वो कन्वेंशनल वॉरहेड आपको होता है, केमिकल हो गया या कोई दूसरा एक्सप्लोजिव आपको हो गया, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता, मतलब खतरनाक होता है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता। दूसरा जो सबसे खतरनाक होता है वो होता है स्ट्रेटेजिक। अब स्ट्रेटेजिक में आपको क्या होता है, इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड। जैसे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया था, तो वो बम गिराया था तो वो एक तरह से स्ट्रेटेजिक वॉरहेड था। स्ट्रेटेजिक मतलब उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल या जो भी न्यूक्लियर बम उन्होंने बनाया है, जैसे हमने भी बना के रखे। तो मोदी जी ने एक बार बोला था कि पाकिस्तान वाले धमकी उमकी दे रहे थे कि हम ये कर देंगे, मिसाइल लॉन्च कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, 2-3 बार वहां के रक्षा मंत्री ने बयान दे दिया, वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान थे उन्होंने बयान दे दिया कि हम इंडिया पे रॉकेट लॉन्च कर देंगे न्यूक्लियर मिसाइल, वो क्या समझता है अपने आपको इंडिया। तो मोदी जी ऐसे ही अपने मूड में एक दिन कहीं भाषण दे रहे थे तो बोलते हैं कि हमारे पास भी मिसाइल है और हमने कोई दिवाली पे फोड़ने के लिए नहीं रखी है इसको, इतना ही बोला उन्होंने, पाकिस्तान में आग लग गई। मतलब भारत का प्रधानमंत्री ऐसे बयान कभी नहीं देता, कभी नहीं देता, वो रोज 2-3 दिन में बयान आ रहे हैं हम न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन। मोदी ने बोला कि दिवाली के लिए थोड़ी है भाई, इतना बोला तब से आज तक एक स्टेटमेंट नहीं आया पाकिस्तान की तरफ से कि हम न्यूक्लियर कंट्री हैं। अभी तो उनकी हालत ऐसी है कि उनको शायद न्यूक्लियर जो वेपन है वो किसी को बेच के कबाड़ी वाले को आटा वाटा खरीदना पड़े, ऐसी हालत यहाँ पर आपको बन गई। वहां के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने एक बार बोला था कि हमारी कौम अगर भूखे मर जाए तो मर जाए, लेकिन हम लोग न्यूक्लियर वेपन जरूर बना के रखेंगे। तो इस कीमत पे वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते, और वही हुआ, न्यूक्लियर वेपन बना लिया, अब जनता भूखे मर रही है तो खा लो न्यूक्लियर वॉरहेड, है ना। हमसे कंपटीशन करने के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाया, हमने बनाया तो उन्होंने भी बना लिया, हम नहीं छोड़ेंगे भाई तेरे ऊपर, मत चिंता कर। हमने वैसे ही नो फर्स्ट यूज जो है उसको मंजूरी दे रखी पार्लियामेंट। नो फर्स्ट यूज का मतलब आपको होता है कि हम पहले उपयोग नहीं करेंगे। खैर अभी हमारे रक्षा मंत्री जो थे राजनाथ सिंह, उन्होंने मना कर दिया कि कोई नो फर्स्ट यूज वगैरह नहीं है हमारी रक्षा की, हम कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर न्यूक्लियर वेपन अगर हमको लॉन्च करना भी पड़ा तो वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं होता कि बोलते हैं प्रधानमंत्री के पास एटॉमिक बम होता है, एटॉमिक बम का बटन होता है, तो ऐसे बटन उनकी टेबल पे लगाओ, गलती से कूनी टच हो गई तो बम फट गया, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, किसी पे न्यूक्लियर अटैक करना बहुत बड़ी बात है। वो अमेरिका ने 45 में कर दिया, एक बार तो कर दिया, आज के टाइम पर संभव नहीं है। खैर, तो ये न्यूक्लियर मटेरियल जो है उसको स्ट्रेटेजिक वेपन यहां पर आपको ले जाता है। ओके, तो ये अलग अलग तरीके आपको हो गए। उसके बाद जो गाइडेड सिस्टम है कि किस प्रकार से गाइड किया जाएगा, उसमें एक वायर गाइडेड सिस्टम आपको होता है। अब देखो वायर गाइडेड सिस्टम में क्या होता है कि उसके अंदर जो रेडियो सिस्टम होता है ना आपका, जैसे जो रेडियो वगैरह
हम लोग चलाते हैं, तो उसमें इस प्रकार से रेडियो के माध्यम से या रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से उसको मैसेज भेजा जाता है। रॉकेट को लॉन्च कर दिया, मिसाइल को लॉन्च कर दिया, फिर उसको वायर के माध्यम से उसको मैसेज भेजा जाता है कि कहां पर गिरना है, क्या करना है, लोकेशन चेंज करनी नहीं करनी है, वो तमाम चीजें उसके अंदर आपको होती है। तो वायर गाइडेड सिस्टम आपको होता है, ठीक है। ओके, फिर कमांड गाइडेड होता है, उसको कमांड दी जाती है पर्टिकुलर, वो इट मे बी पॉसिबल कि कोई एयरक्राफ्ट से या इस जगह से लॉन्च किया जाता है, तो कमांड गाइडेड होता है, तो उसको कमांड दी जाती है, कमांड के माध्यम से चलता है कि जो भी कमांड कंप्यूटर से आपने दिया या और भी तरीके से कमांड दिया तो उस कमांड के माध्यम से लॉन्च किया जाता है, कमांड गाइडेड आपको मिसाइल सिस्टम होता है। फिर लेजर गाइडेड होता है, तो लेजर से गाइड किया जाता है, यहां से लॉन्च किया, पर्टिकुलर लेजर के माध्यम से उसको गाइड किया जा रहा है और पर्टिकुलर लोकेशन जाके आपको गिरेगा। जैसे हमारे जितने भी मिसाइल्स हैं वो 100% या तकरीबन 98-99% जो एक्यूरेसी है उसी के साथ आपको जाते हैं। अभी वो ब्रह्मोस वगैरह का लफड़ा हो गया था, जो गलती से पाकिस्तान में चला गया, उस चक्कर में एयरफोर्स के 3 जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड भी करना पड़ा, और भी कई सारे लोगों पे आपको गाज गिरी है, तो वो एक आध गलती हमसे आपको हो गई थी, ठीक है। फिर एक होता है आरएफ और जीपीएस रेफरेंस, तो यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी या जो जीपीएस है उसके माध्यम से लॉन्च किया जाता है, उसके माध्यम से उसको गाइड किया जाता है कि किस कॉर्डिनेट पे गिरना है, उसको बोलेगा कि 21 डिग्री 25 मिनट और 30 सेकेंड वाली जो लोकेशन है उस पर गिरना है, वहीं जाके डायरेक्ट आपको गिरेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसमें कमांड फीड कर देना कि किस लोकेशन पे गिरना है, आरएफ से उसी लोकेशन पे जाके गिरेगा एग्जैक्ट, न 1 इंच इधर न 1 इंच इधर, इतना एग्जैक्ट आपको होता है, तो उसको जनरली हम लोग आरएफ गाइडेड मिसाइल आपको बोलते हैं। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी हुई, अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म्स हुई जिनके माध्यम से आप पूरा जो मिसाइल के बेसिक टर्म्स है इनको हम यहां पर आपको देख सकते हैं। ओके, तो वो हेलेना वगैरह सब कुछ हम पढ़ेंगे, अभी तो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई थी, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। अब हम लोग आगे डीआरडीओ पढ़ेंगे, तो अग्नि और जितनी भी मिसाइल अभी तक हमने लॉन्च किए सबके बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कल डीआरडीओ वाले लेक्चर में, ठीक है। चलिए, ओके। उसके बाद एज यू नो कि अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, और उसके लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड पवन लाइव। तो जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसी प्रकार से हम लोग प्लस के अंदर भी आपको पढ़ते हैं, कई सारे टॉपिक्स में यहाँ पे स्पेशल क्लास में पढ़ा रहा हूँ और कई सारे टॉपिक में आपको प्लस क्लास में भी आपको पढ़ाऊंगा। कई सारे बैचेस चल रही है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी जेल प्रेरी वाला आपको एक बैच आ चुका है, उसके अलावा कंप्लीट एमपीजी के वाली बैच आ चुकी है, 2 मार्च से एक बैच आ चुकी है, एक बैच 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, फिर एक बैच आने वाली है 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, जैसे कई सारी बैचेस जो हैं इन फ्यूचर आपको आने वाली, एक 30 डे का बैच जो 30 दिन का एक पूरा रिवीजन कोर्स उसके अंदर आपको होगा, ठीक है। उसके अलावा और भी कई सारे मार्च में कई सारे बैचेस हैं, अप्रैल में कई सारे बैचेस आने वाली है, तो भी अब तो मल्टीपल बैचेस जो हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी जाके सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो, क्योंकि आने वाले लेक्चर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, सो दैट्स अबाउट दिस लेक्चर, आई होप यू लाइक द लेक्चर। ओके, थैंक यू।